तो भाई आज तो एक एक्सपीरियंस हुआ है केजांग के साथ में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी पता चले और एक्सपीरियंस का क्या सीन है। एक लड़की आई थी यार, सऊदी की थी वो बंदी, एंड पता है क्या, वो 20 दिनार का डुप्लीकेट नोट लेके आई थी भाई। डुप्लीकेट नोट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टेल मी दैट। देयर इज अ फेक मनी इन बुई, लाइटली फॉर लाउड शेयर, प्लीज बी केयरफुल। कोई बात नहीं, सारा काम कर लेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे पैसे ही कमाने आए हैं। आखिरकार यही एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया पैसा कमाना है तो जो कोई भी काम मिले वो तो करना ही करना है। Hey guys, welcome to my new vlog. पहले गुड मॉर्निंग बोल दूं और आप भी खुश हो, आपका दिन भी मस्त हो। मेरा दिन क्योंकि मस्त है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चीज चल रहा है, पूछो मत। अच्छा पहले ये बताओ, मैं मोटा लग रहा हूँ क्या? जैसे मैं ये कपड़ा पहनता हूँ ना बर्गर किंग का, एंड आई फील लाइक दैट कि मैं थोड़ा बहुत मोटा हो रहा हूँ। बिकॉज ऑफ समटाइम आई ईट जंक फूड, समटाइम आई ईट माई घर का फूड, समटाइम आई ईट मिक्सचर, ये सारी सिनारी होती है। और समटाइम मैं कभी टाइम पे खाना ही नहीं खाता, जैसे कि आप लोग 10-12 बजे घर पे खा लेते हो और रात को 8-9 बजे घर पे खा लेते हो। मेरे यहाँ पे 8-9 बजे कुछ नहीं, 10-12 बजे कुछ नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, अब कितने बजे खाऊंगा नहीं पता। अभी सुबह के बज रहे हैं 12, समझ रहे हो, सुबह के 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर को 12 बज गया, पहुँचूंगा 1 बजे। और ब्रेक कब मिलेगा कुछ नहीं पता है। और आज तो इतना सारा भाई वो आने वाला है, क्या बोलते उसको, फ्रोजन। और अकेले बंदा मैं ही हूँ, वहाँ पे 2 लेडीज हैं, तो समझ रहे हो सारी जिल्लत श्रीकांत को झेलनी है। कोई बात नहीं, सारा काम कर लेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे पैसे ही कमाने आए हैं। आखिरकार यही एक मोटिवेशन मिलता है कि भैया पैसा कमाना है तो जो कोई भी काम मिले वो तो करना ही करना है। आपको एक चीज और बता दूं यार, सच में बता, जब मैं उठा ना, मतलब शाम की रात की बात है, रात को है ना, मैं 2 दिन पहले राजमा का छोटा भाई भिगा के गया था और सोचा था कि बना लूँगा, मगर मैंने कल रात को बनाया नहीं, मिल्क शेक पी के सो गया। अब जैसे ही सुबह उठा, एक तो है ना सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी, अपनी आँखों को ऐसे ऐसे करके खोला गया, उस पर पानी मारा, ब्रश किया, फ्रेश अप हो गया एकदम अच्छे से। फ्रेश अप होने के बाद मैं किचन में गया और मैंने बोला कि भाई सोच क्या रहा है, अगर खाना खाना है तो तेरे को बनाना पड़ेगा, अगर नहीं खाना है, जंक फूड खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही रख दे और उसको फ्रिज में रख दे। फिर भाई पता नहीं कौन सा मेहनत और कौन सा एनर्जी आया है अंदर से, फटाफट तुम्हारे भाई ने 27 मिनट के अंदर आई कुक माय ओनली करी। 27 मिनट लग गए, मैंने 11:05 पे स्टार्ट किया था, अब देखो कितना, मतलब 23, अब पैक करते करते निकलते निकलते ऑलमोस्ट हो गया 45, अभी 10 मिनट और बचा है, बस आके यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। मैंने बोला कि भाई अपनी दिनचर्या है ना आप लोग के साथ में शेयर कर लूँ, तो हालांकि कुछ वाइव, इतना प्यारा वाइव आ रहा है, हाँ ये नाम के लिए इतना प्यारा वाइव है। अभी 2 मिनट मेरे को बाहर खड़ा कर दोगे ना, पसीना पसीना हो जाएगा और पिछोड़ा पूरा जल जाएगा। और क्योंकि मैं ये शेड में खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ धूप नहीं लग रहा है, इसकी वजह से मैं आपसे बातें भी कर पा रहा हूँ। नहीं तो भाई साहब ये देखो, बस का नाम लिया ना, बस ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, देखा भाई, सब लोग ऑन टाइम होते हैं, बस स्टाफ, मैनेजर्स, पंचुअल, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। यही है ना एक लाइफ, आप फैमिली के बिना जीना सीख जाते हो और उसको बेटर बनाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करते हो। आज मैंने शेविंग वगैरह सब कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, नेल वगैरह सब कट है, और मेरा एक पैंट है ना फट चुका है, समझ रहे, ऐसे बैठने गया ना टक ट्र करके आवाज आया, अब वहाँ पे वो जो दिख रहा है बकाला, बकाला के बाजू में है ना सिलाई मशीन वाला है, अब वो 1 दिनार लेगा मेरे पैंट को ठीक करने के लिए। हालांकि मेरे पास में न्यू पैंट है, उस न्यू पैंट को मैं ठीक करवाऊंगा, थोड़ा नैरो वैरो करवा लूंगा, मतलब पतला करवा दूंगा, तो अपन यूज कर सकते हैं और नया पैंट पहनेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके नो प्रॉब्लम, भाई आ गया, अपना बोला कि रेडी है, आ जा, मैंने बोला ठीक है आता हूँ। और एक चीज, मैं ना यूरोप का जो ऐसे ही घूम रहा था ना, कंसल्टेंसी, तो वहाँ पे ना मेरे को एक बंदा मिला था और मैं चाहता हूँ कि उस बंदे का वीडियो आप देखो, मैंने थोड़ा बहुत शूट किया हुआ है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो थिंकिंग है, भाई साहब मजा आ रहा था भाई। पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग, यहाँ पे क्या करते हो आप, कुवैत में क्या करते हो? फार्मेसी वर्क में, सेल्समैन फार्मेसी। और सैलरी वगैरह क्या बताया आपको? सैलरी भैया मेरे को बताया
मतलब अगर रिफ्यूज मेरा वजह से हुआ, अगर मेरा कोई फॉल्ट से, तो पैसा एक भी नहीं मिलेगा और दोबारा अप्लाई भी नहीं करेगा। अगर उसके वजह से होगा तो दोबारा अप्लाई भी करेगा, अगर अप्लाई नहीं चाहिए तो पैसा चाहिए तो भी पूरा पैसा रिटर्न करेगा। मेरे को भी यही बोला, अगर आपका पहले 100 KD दो बोला मेरे को, मैंने बोला ठीक है मैं देता हूँ। फिर उसके बाद में बोला कि आपका हम भी जो रिज्यूम है वो भेजेगा उनके पास में, अगर वो लोग सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉयर के पास, वो लोग सेलेक्ट करेगा तो फिर बाद में हम तुमको बताएगा कि सेलेक्ट हो गए, वापस आ जाओ एग्रीमेंट साइन करने के लिए। वो एग्रीमेंट साइन करवाएगा, वो एग्रीमेंट में जो है ना, ये लोग चाहिए तो फ्री भी करा सकता है। मैं 6 महीने से घूमता हूँ, मतलब ये साल पूरा मैं खाली ऐसे इसके पीछे घूमता हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस हो चुका मेरा। हाँ, सब साला एक ही है। ये लोगों 1000 KD के नीचे कोई यूरोप के लिए बात ही नहीं करता, कोई भी कंट्री मतलब आप यूरोप किधर भी जाओ, हाँ, सब लोग उतने ही बोलते हैं, ये 1000 का नीचे नहीं आता है। इसमें ये बंदा का एक चीज क्या है, तुमको लग रहा है ट्रस्टेड है? हाँ हाँ चलेगी चलेगी, क्योंकि एक साल से है ना। हाँ, ये लोग इतना ज़्यादा अभी भी फेमस नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा चीटिंग नहीं करेगी। हाँ, जो लोग ज़्यादा चीटिंग फेमस ज़्यादा वो लोग उतना चीटिंग भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे PWG करके है, वो दुबई का बेस है। हाँ, और वो लोग सब ऑनलाइन करवाता है। और एक है फ्लाई ब्रिट फ्लाई, ब्रिट फ्लाई वो 100 KD लिएगा, बस 100 लेकिन 2000 KD चाहिए। आप कोई भी कंट्री जाओ यूरोप का, खाली नाम ले तो 2000 KD, लेकिन स्टडिंग में 100 KD लेगा, उसको बाद कोई पैसा नहीं लेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम का कुछ बात ही नहीं की, कोई एग्जाम क्या है भाई, इंग्लिश एग्जाम कुछ नहीं चाहिए यार, ब्लू कलर जॉब के लिए क्या चाहिए। आप तो क्या इधर कितना भी आप अच्छा जॉब करो अपना मुल्क में, डजंट मैटर, ब्लू कलर जॉब में कुछ नहीं, बस लेबर। आ जाओ लेबर, आप उधर जाके आपको, लेकिन अगर मैं कोई भी कंट्री जाओ मेरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरा हर फ्रेंड्स है, फिलिपिनी फ्रेंड्स है, सब भाई अभी यूरोप में है, बस मैं ही पढ़ा है उधर। अच्छा, लेकिन इधर भी सैलरी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह 300 कमा रही हूँ, चलता है, लेकिन मूव होना चाहिए। अभी 10 साल हो गया मेरा कुएं, अरे बाप रे, बहुत बड़ा है वो है। 10 साल हो गया, अभी तक घर नहीं गया मैं। अच्छा, 10 साल से घर नहीं गया यार, जाना चाहिए यार आपको। नहीं, अब भूल गया मैं सब, तो अभी इधर अपॉर्चुनिटी देख रहा है। अभी अगर 10 साल यूरोप में रहता ना, सिटीजन बन जाता, बांग्लादेश से है वो, और उसने उसके पास में पैसा रेडी है, पैसा भर के जाने के लिए, बट लेट्स सी वो कब भरता है कब नहीं भरता है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मगर हाँ भाई, कुवैत में आने के बाद में यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि यार यहाँ से आप उधर जा सकते हो, मतलब समझ रहे हो आप, कुवैत से कैनेडा, पोलैंड, उसके बाद में क्रोशिया, उसके बाद में हंगरी, भाई यूरोप के किसी भी कंट्री में आप लोग ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का भी सीन है भाई, आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर सकते हो, बट यह है कि पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अपना टाइम खर्चा करना पड़ेगा और अपना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी एक के ऊपर ट्रस्ट मत करना। आप जब जाओगे बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फेक है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ठीक है, कौन सा बेकार है, कौन लूट रहा है, कौन फंसा रहा है, तो आपको ये चीज़ें खुद से पता करना पड़ेगा। कुवैत में सिटी में ना भाई ऐसा जगह जगह पे कंसल्टेंसी है, अपने को तो पता ही नहीं था, जब अपन ने एंट्री किया उस एरिया में तो भाई पता चला भाई यहाँ पे भी है, अच्छा ये भी बेचता है। और गलती से आपने ना इंस्टाग्राम पर ये सर्च कर लिया क्या, ये इमिग्रेशन ऐसा कुछ भी कर, यूके जॉब और कनाडा जॉब ऐसा सर्च कर लिया इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, भाई साहब जो आपको एडवर्टाइज वाले इतना एडवर्टाइज दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपको अभी के अभी जॉब मिल जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, अच्छा ये भी है चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हो, अच्छा वो भी है चलो यहाँ पे ट्राई कर लेंगे, मलयालम में, फिलिपिनी में, हिंदी में, पंजाबी में, इतना सारा एडवर्टाइज आने लग जाएगा ना भाई। मैंने एक बार गलती से सर्च कर लिया था और पूछो मत इतने सारे एडवर्टाइजमेंट, फिर भी उसमें से कोई एक मिला है। मैं बोला चलो टाइम पास करके आते हैं, अपन गए थे घूम के आए हैं वहाँ पर, अब रिजल्ट आपको, अगर आपने मेरा मेंबरशिप नहीं लिया है तो मेंबरशिप ले लेना, उसके अंदर सारा रिजल्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या जर्नी हो रही है, कैसी जर्नी हो रही है, आपको उसके अंदर सब कुछ पता चलेगा। तो अभी चलो चलते हैं अंदर, बस के अंदर बैठते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे, और जब लंच करने जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, बट मेरे को खरबूज का पैकेट खरीदना पड़ेगा यार, मैं लुल्लू से खरीदूंगा। चलो ये इतना सारा बातें कर लिया, इतनी सारी चीज बता दिया आपको, आई थिंक मजा आ गया होगा है। कोई गर्म ऐसा तो लगे नहीं रहा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाफ भी एकदम कम है।
ये बाहर का वाइब है भाई साहब। चल भाई आज अभी दोनों खाली तुम्हारा एक कप। तो भाई पहुंच गए अपन मस्त वाले यहाँ पे। अभी है ना मेरे को खबूस लेना है, सब्जी तो मैं तो ले रखा हूँ बट खबूस लाना, खबूस लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अपना सामान रखूँगा यहाँ पे और चलते हैं खबूस लाने के लिए। ठीक है लाइन लगी पड़ी है संडे के टाइम। सच में बता रहा हूँ बहुत बहुत नसीब वाला हूँ मैं, थैंक यू मेरे मालिक। देख रहे हो नज़ारा, प्यारा नज़ारा। अरे भाई इतना बड़ा खबूस कौन खाता है भाई, देख रहे हो इतना बड़ा खबूस, ये 200 फीस से कम नहीं होगा। अपने को छोटा वाला खबूस चाहिए। और नज़ारा देख लो भाई कितना प्यारा है, इतने सारे खबूस। अभी एक डेट कब का है डेट भी देखना पड़ेगा, कभी भी आप आना तो ऐसे डेट लिखा रहता है जैसे दिखा हुआ है डेट, तो ऐसे डेट देख के तो ही लेना, नहीं तो फिर पुराना वाला लेके जाओगे और पेट खराब होगा। तो मैंने भी ये लिया और ये चाचा जान ने भी वही लिया, देख रहे हो ये मछली है और ये। और मेरे को तो कुछ नहीं लेना है, अब चलते हैं सीधा भाई साहब। चलो अब मास्क वगैरह बिक रहा है। हाँ एक और चीज़, अगर आप आओगे यहाँ पे, अगर आपके पास में कुकिंग करने वाला सामान नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ख़रीद सकते हो। थोड़ा सा महंगा है मगर एक बार ख़रीदोगे तो पूरा साल या तो फिर बनाने के बाद में घर पे भी लेके जा सकते हो। 3 KD में ये छोटा वाला मिल रहा है, मां कसम इतना महंगा है यार, इसे अच्छा इंडिया से लेके आ जाओ। अगर नहीं लेके आ पाए तो यहाँ पे ख़रीदने का ऑप्शन है। तो भाई ये ले लिया और चलो चलते हैं यहाँ से आएंगे। वो दिख रहा है काउंटर पे, वो टकला खड़ा था अपनी वाइफ के साथ में, सबके सामने ना उसको ऐसा कमर पे ऐसा जोर जोर से हाथ लगा रहा है और सब लोग उसको देखने लगे। जब उसने ऑब्जर्व किया कि लोग उसको देख रहे हैं तो उसने हाथ हटा दिया। ऐसा भी सीन होता है भाई यहाँ पर। तो कितने फील्स का पड़ा पता है क्या सामान? एक पैकेट खबूस 50 फील्स का और एक मैंने लिया है मैंगो मिल्क, मैंगो लबान, हाँ मैंगो लबान लिया है 150 फील्स का। तो यहाँ पे कारें वगैरह रेडी है, ये देखो सब फॉर पैसेंजर्स लोग के लिए। तो अपन सीधा जाएंगे पिज़्ज़ा हट में ना भाई, टेबल सर्विस है और हमारे इसमें QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। पिज़्ज़ा हट में टेबल सर्विस है, जाके उनको देना पड़ता है, पूछना पड़ता है सर एनीथिंग एल्स सर, वुड लाइक टू समथिंग एल्स सर, बार बार जाके पूछना पड़ता है, उसको एक्सपीरियंस कराना पड़ता है हाई क्लास वाला, क्या ही बोले यार। चलो अपने प्यारे से बर्गर किंग में पहुँच गए, यहाँ पे 2 कस्टमर्स आई वो आयो। हेलो डिलीवरी वेटिंग, डिलीवरी आने वाला है, लगने वाली है मेरी लंका। अब तो मेरी लंका लगी, दिखा रहा हूँ बट छोटा सा क्लिप है, ये देखो। और ये देखो भाई साहब, ये सारी चीज़ें मेरे को अंदर रखनी है। कोई नहीं आई विल डू इट, ये देखो। तो भाई आज तो एक एक्सपीरियंस हुआ है केजांग के साथ में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी पता चले और एक्सपीरियंस का क्या सीन है। एक लड़की आई थी यार सऊदी की थी वो बंदी, एंड पता है क्या, वो 20 दिनार का डुप्लीकेट नोट लेके आई थी भाई, डुप्लीकेट नोट। केजांग का बच गई वरना उसके साथ में आज स्कैम हो जाता। जैसे उसने 20 दिनार का जो नोट है ना मैडम को दिखाया, मैडम दिस इज चेक, दिस वन इज डिफरेंट करेंसी, वो पेपर ही कुछ अलग था, तुरंत ही पहचान में आ गया। तो भाई केजांग एकदम डर गई थी, अगर वो ले ली होती और रख ली होती अंदर और फिर बाद में वो 2 दिनार का ऑर्डर दी थी और 18 दिनार का स्कैम हो जाता, फिर केजांग को जेब से पे करना पड़ सकता था। बट फॉर द अवेयरनेस जो भी कैशियर है, जो भी कहीं पे भी काम कर रहा है, भैया फेक करेंसी सब जगह पे सीन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर। तो भाई केजांग आ गई है, मैं केजांग को कुछ पूछने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट 20 KD, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टेल मी दैट। There is fake money in Kuwait. Lightly. So that's what loud. You share, please be careful. How you... Just check. It's thick, little bit different. When I touch the money, it's thick. Then I just confused and I asked my manager. So manager told me it's fake. It's... When my manager drink like this, it's paper inside. Oh, so be my... careful, guys. तो भाई देख लिया इसका एक्सपीरियंस। इफ यू टेक बाय मिस्टेक देन व्हाट हैपेंस, टेक बाय मिस्टेक देन आई हैव टू
पे 18 kg समथिंग दो दिनार का बिल था, तो भाई बच गई, अभी एक घर जा रही है एंड गुड एडवाइस फॉर एवरीवन, प्लीज बी केयरफुल वाला, इफ आई सी द फूड देन खत्म, सीधा ना तो भाई जो भी कैशियर है तो ध्यान से भाई देखा, वो एकदम डर गई थी भाई लेने के बाद में, और तो मैडम ने पकड़ लिया और उसने दिखाया, उसका दिमाग देखो था, तुरंत ही बोला मैडम जस्ट चेक ना दिस करेंसी, आई थिंक समथिंग इज डिफरेंट, तो जैसे उनको दिया ना मैडम को, मैडम ने तुरंत ही पकड़ लिया भाई ये अच्छा नहीं है, ये फेक है, तो भाई बच के नहीं तो आपके साथ में भी स्कैम हो जाएगा, तो चलते हैं अभी काम पर, शी इज रेडी देखो बैग पैक कर ली, देखो मैडम भी बोल रही है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे के जंग बाद इन पे। तो अब जैसा कि हो गया है पूरा खाने का टाइम, तो पहले पानी, मेरा लबान जो हमने आज दोपहर में ख़रीदा था, साथ में मैंने एक चिकन के पीस लिए हैं, थोड़ी सी फ्राइज, हालांकि फ्राइज ठंडी हो जाएगी तो नहीं छूंगा, और ये रहा अपना खबूस, और ये जो तुम्हारे भाई ने मेहनत किया था, आत्मा का छोटा भाई रेडी है, और लेट्स गो ख़त्म करते हैं भगवान का नाम लेके, थैंक यू सो मच। कितने बजे खाने मिल रहा है पता है क्या, 5:30 बजे सुबह मैंने खाली एक केला खाया है और एक सेब खाया है, ये दो चीज़ खाकर 5:30 बजे तक मैं जिंदा हूँ, तो लेट्स ईट फटाफट। तो इसी के साथ मैं खाना पीना खाया, मज़ा आ गया यार, और घर का सब्जी और खाया ना, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम पे मैं एकदम फुलफिल हो गया हूँ। तो आज है क्या, आज संडे, तो यहाँ पे भी संडे मतलब हॉलीडे, हमारे यहाँ पे भी संडे इतने बिजी नहीं है, सब खाली क्लीनिंग करो अपने आप को रेडी रखो, वही काम चल रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर, क्या थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है भाई, काम हमेशा रहता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि फ्री रहो, काम हमेशा रहता है, देखो ये भूल गया था लेके जाना, अब इसको लेके जा रहा हूँ अंदर। तो भाई इसी के साथ में मजा आ गया आज काम करने में, देख रहे हो 12:05, ये सारे रेस्टोरेंट वाले सब चले गए, सिर्फ बर्गर किंग बचा रह गया, और ऊपर से शादी का और टाइम लगा रहा है, उसको बोला बोला के आया, बोलते आता हूँ, मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू आना आगे, लास्ट सीट बैठने मिलेगा यार, और विंडो के पास में तो बिल्कुल नहीं बैठने मिलेगा, एक चीज देखते क्या होता है, मुझे एप्पल लेके आया था, बोला एप्पल खा ले, तो एप्पल खाते हुए जा रहा हूँ मैं, 12:10 हो गया यार, बस आके खड़ी हुई है, चल जल्दी से निकलते, ये देखो मजे लगा हुआ है, सुनो आधा लगो। तो भाई आके पहुँच गए हैं घर पर, और अभी तक कल मेरे को मंजू ने ऑरेंज दिया था, अभी तक मैंने इसको खाया भी नहीं है, कोई नहीं बाद में खा लेंगे, अपने ही खेती है। तो पहले जा रहा हूँ यार नहाने के लिए, थोड़ा बॉडी पसीना हो रखा है, और कपड़े भी धोना पड़ेगा, आज मेरी एक पैंट फट गई है साला, सिलाना पड़ेगा, वो भी अलग मसला चल रहा है ज़िंदगी में बट कोई नहीं, पहले जाते हैं फ्रेश अप होते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे, ओके। तो भाई इसी के साथ मैं नहा के जस्ट फ्रेश अप होके आया भाई, और अपनी एक रील शूट करने में मेरे को कम से कम 15-20 मिनट लगता है भाई, और हाँ जो डेली पुशअप वाला सीन है हर रोज मारा जा रहा है, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना, सो दैट आप भी मोटिवेट हो सको और अपनी लाइफ में आप भी पुशअप करना स्टार्ट कर दो। हालांकि मैं स्केड्यूल नहीं बना पा रहा हूँ जिम का, वो भी जल्दी से स्टार्ट करने वाले, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हो, मैं कब से बोल रहा हूँ, हालांकि जल्दी से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा मैं इधर उधर के काम में उलझा हुआ हूँ, एक बार वो मेरा काम सॉर्ट आउट हो जाए, और जिसको पता है उसको पता है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया तो जाके देख लो लेके, एंड और भी चीज़ें आने वाली है, 25, 26, 27 तारीख को मैं एक और पब्लिकली डालने वाला हूँ, मतलब मेंबर लोग के लिए डालने वाला हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। चलो बात करते हैं आज के इस ब्लॉग पे, तो सावधान खबरदार होशियार और थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फ्रॉड होते होते आज बच गया है, सच में बता रहा हूँ, अगर वो लड़की के साथ में ये फ्रॉड हो गया होता ऊपर तक वो बात जाता था, समझ रहे हो, हेड ऑफिस के अंदर तक, जब वो 20 kg का नोट हेड ऑफिस या तो फिर बैंकिंग में जाता, वहाँ पे जब चेकिंग होता फिर पकड़ा जाता, फिर पता चलता कि भैया ये सीन हो गया है, तो हाई अलर्ट हो जाता, तो
फिलहाल जान बची लाखों पाए और वो कितना खुश होके गई फिर घर पे, उसने अपने साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस ब्लॉग में, तो आपको पता ही चल गया होगा। हालांकि आज है ना मेरे को खाना बना, तो मतलब मैं बना के रखा हूँ, फ्रिज में रखा हुआ है, अभी कुछ भी खाने का ऐसा इच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या खाया था, शॉर्मा खाया था, शॉर्मा के चक्कर में अभी भूख नहीं है। तो फिलहाल अभी ये है मेरा ऑरेंज जूस, नाइट डिनर लास्ट मील, इसके बाद में सुबह उठेंगे, सुबह का देखा जाएगा, क्योंकि 6 बजे मेरे को आज ही खाना खाने मिला, ऑलमोस्ट 5:30 बजे जब मैं खाया, तब देखा होगा आपने, मैंने जब खाना खाया तो देख रहे हो कितना डिस्टेंस हो गया है। तो इसके बाद में मैंने 10:30 बजे के आसपास कुछ अरेबिक खबूस खाया था, उसके बाद में अभी ये ऑरेंज, अभी कितने बज रहे पता है क्या, 1:15 बज रहा है, तो अभी इसको खा के अपनी बुक लिख के, बहुत तामझाम होता है यार गल्फ लिख तो गल्फ की लाइफ ऐसी नहीं होती है भाई, बहुत तामझाम होता है। आओगे ना फैमिली के टाइम, मैं तो समझ लो अभी फैमिली टाइम नहीं, उतना नहीं दे पा रहा, बिकॉज एडिटिंग में बिजी होता हूँ, ब्लॉग बनाने में बिजी होता हूँ। जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने इतना प्यार दिया, मम्मी को सरप्राइज़ किया, ऐसा बताया, और आप लोग ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है और ये सारी चीज़ें तू कर रहा है, तो ये भाई एक अलग लेवल का नशा है। एंड थैंक यू सो मच, मैं किसी गलत संगत में नहीं फंसा हूँ भाई, ब्लॉगिंग से प्यार आया, अकेले रहना पसंद करता हूँ, एंड मैं ज़्यादा समझ लो जल्दी से किसी को जल्दी से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाता, जो जिससे पहली बार अगर मुलाकात और बातचीत हो गई होगी तो उनसे मैं फ्रेंडशिप करता हूँ भाई, एंड मैं जल्दी से मतलब नहीं होता भाई, मैं भी इंट्रोवर्ट बनता हूँ, और कैमरे के सामने तो भाई बहुत मज़ा आता है बात करने में, आप लोग के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने में। जी हाँ, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तो ये थी मेरी डे लाइफ आज की, एंड एसी का काम कर रहा है बस का, पूछो मत भाई पूछो मत, पैसा वसूल हो गया, एक कंप्लेन गया हेड ऑफिस में और बोला कि ऐसा गर्म हो रहा है, लास्ट 1 महीने से हम लोग बोल रहे हैं, बट भैया फाइनली इट्स वर्क, एकदम नया बस आया और अच्छा चल रहा है। तो चलो चलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। I was your